जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपको कुछ शेयर करूंगी कि आप अपना फेसबुक यूज़र नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल की सारी अपडेट्स वो आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले उसके लिए आप क्या करेंगे कि अपना फेसबुक पेज जो है वो ओपन करेंगे। आप उसे ऐप में भी ओपन कर सकते हैं और ब्राउज़र में भी। मैं उसे ऐप में ओपन करने जा रही हूँ। तो जब आप अपने पेज पर जाएँगे तो वहाँ पर एडिट पेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, एडिट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करें, इसके दो वेज हैं। दूसरा, आप मोर पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको पेज कंट्रोल्स में एडिट पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे पेज इन्फो पे और नेम के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना डिज़ायर नेम चेंज कर लेंगे। मैंने चेंज रिसेंटली किया है, तो जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ करूँगी तो मुझे एक एरर मैसेज आ गया है जिसमें उन्होंने बताया कि आपका पेज जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपका नेम तो चेंज हो गया लेकिन आपका यूज़र नेम स्टिल चेंज नहीं हुआ। तो हम देखेंगे कि वो कैसे चेंज होगा। हम बैक पे जाएंगे अपने मेन पेज पे। आप देख सकते हैं कि फूड्स ऑन जो है नेम तो चेंज हो चुका है लेकिन उसके नीचे @rainbows.cloth चेंज नहीं हुआ और हमें यही यूज़र नेम चेंज करना है। तो उसके लिए अगेन से एडिट पेज पे क्लिक करेंगे और उस पे तीन हेडर्स हैं। सबसे ऊपर वाला जो है पेज हेडर, हम उस पर क्लिक करेंगे और अपनी नेक्स्ट विंडो में जब जाएंगे तो वहाँ पे पेज नेम पे हम क्लिक करेंगे और पेज नेम पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी जो है वो क्रिएट विंडो में आ जाएंगे, क्रिएट यूज़र नेम विंडो में आ जाएंगे, जहाँ से हम इस विंडो में @rainbows.cloth को हम चेंज कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी नेम रख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं फूड जोन से जो है वो रेलिवेंट नेम रखूँ। तो मैं इसको चेंज करूँगी, यहाँ से मैं इन जो लेटर rainbows.cloth को इनको डिलीट करूँगी, रेज करूँगी और यहाँ पे अपना डिज़ायर नेम जो कि फूड जोन है उसको एंटर करूँगी और उसकी अवेलेबिलिटी चेक करूँगी। तो चेक मैं इसको एंटर कर रही हूँ और फिर मैं ये चेक करूँगी कि क्या ये अवेलेबल है कि नहीं। ओके, ये अवेलेबल नहीं है। इसी तरह अगर आपको भी प्रॉब्लम आए तो आप इसको मिक्स एंड मैच करके, इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करके अपना डिज़ायर यूज़र नेम हासिल कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करूँगी कि मैं इससे, मुझे इससे रिलेवेंट और इससे मिलता जुलता कोई नेम चाहिए जो कि मेरे चैनल को प्रॉपर डिस्क्राइब करे और मेरे इस पेज को प्रॉपर डिस्क्राइब करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि फूड जोन के साथ मैं ऐड करूँगी किचन का वर्ड, फूड जोन के साथ मैं डॉट किचन का वर्ड ऐड कर देती हूँ और फिर मैं ये चेक करूँगी कि आया मेरा जो डिज़ायर पेज नेम है वो अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं ये एंटर करने जा रही हूँ, जी हाँ ये अवेलेबल है। तो मैंने क्या क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं अपना क्रिएट यूज़र नेम के जो बटन पे क्लिक करके जो है यूज़र नेम जो है वो मैं क्रिएट कर लूँगी। तो आप इसी तरह इन स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पे आप अपना डिज़ायर नेम क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको कस्टमाइज़ कर लें, इसका लेआउट को कस्टमाइज़ कर लें। मैं इसमें कैपिटल लेटर्स जो है फर्स्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि ये जो है आई कैचिंग है और देखने में भी अच्छा लगता है, विजुअली बड़ा अच्छा इम्पैक्ट करता है। तो क्रिएट न्यू यूज़र नेम करके जो है मैं अपना पेज जो है वो यूज़र नेम क्रिएट कर लूँगी। तो अब देखते हैं, तो जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो हमें एक जो है वार्निंग विंडो ओपन हो जाती है जिसमें है कि जब आपने ये अपना यूज़र नेम क्रिएट कर लिया है तो जो अगर आपने अपना ये पेज लिंक कहीं पे पहले शेयर किया हुआ है तो वहाँ पे जाके आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि आपका यूज़र नेम चेंज हो चुका है और अब आपका ये लिंक प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो किसी को आपके पेज तक आना है तो उसको जो है आपको इसको दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मेरा पेज नेम जो है, मेरा यूज़र नेम जो है वो चेंज हो चुका है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।